हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं वजाहत। आज 13वां रोज़ा है और जुम्मा भी है, इस वजह से आप लोग मुझे शलवार कमीज़ में देखे होंगे। मैं मोस्टली जो है जुम्मे वाले दिन शलवार कमीज़ पहनता हूं। पहला काम क्या होगा? पहला काम ये मैंने करवाना है कि जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस है वो रिन्यू करवाना है। उसका थोड़ा सा मैं प्रोसीजर आप लोगों को बता दूंगा कि रिन्यू कैसे करवाते हैं। उसके बाद ये अपनी यूसीटी है, इसको मैंने वॉश करवाना है। अगेन बस पहले ही बता चुका हूँ, बहुत ही मैली हो चुकी है। आज की शायद अफ्तारी हमारी बाहर हो, सो वो होगा। सो ये छोटा सा व्लॉग टाइप है। तो पहले अपने काम करने से पहले घर का एक काम पड़ गया। संडे बाज़ार से जो है, संडे तो नहीं है, सस्ता बाज़ार जो आजकल लगता है, हर रोज़ लगता है, वहाँ से फ्रूट वगैरह को लेना है अफ्तारी के लिए, घर के लिए। मैंने तो खैर शायद बाहर ही करूँ, शायद ये बात है, लेकिन घर के लिए तो लेनी है ना। तो अभी मैं जा रहा हूँ इतवार बाज़ार, वहाँ से लेता हूँ। अगेन इतवार बाज़ार सस्ता बाज़ार, तो वहाँ से फ्रूट वगैरह लेता हूँ। आजकल ये बिल्कुल ऑफ है, कोई टेप वगैरह नहीं लगाता, ऑब्वियसली रमज़ान है। तो कोई वैसे रेडियो चल रहा हो तो कोई नात वगैरह लगी हो तो लगी हो, वैसे नहीं चल रहा होता मोस्टली। ये हमारा सस्ता बाज़ार, वैसे संडे बाज़ार होता है और आजकल ये सस्ता बाज़ार, तो ये भी गाड़ी लगाता हूँ। दरवाजे सामने नहीं लगानी, ये जगह है आई थिंक सो, पर यहाँ पर बाइक खड़ा है और ये जगह ऑटो के साथ यहाँ लगाते हैं। हुए ना सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे ख्याल रखता हूँ, क्योंकि जब इस तरह से गाड़ी टिल्ट करके खड़ी होती है ना, तो अंदाज़ा नहीं होता, और ये वाला बम्पर बहुत नज़दीक पहुँच चुका होता है, इसलिए थोड़ा सा आप को जहाँ पे लगे ना कि गाड़ी टच करने वाली, उससे पहले ही रोक लो, तभी सेफ रह सकते हैं। केले किस तरह? 190 भाई। ये वाला दर्जन का सेब किस तरह? 240। 240 किलो का। अच्छा, बाज़ार तो है सस्ता बाज़ार, लिस्ट भी लगा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जो लिस्ट लगी हुई है ना, उस पर कोई नहीं दे रहा। उनसे कहो कि यार ये लिस्ट के मुताबिक आप क्या नहीं, क्यों नहीं दे रहे, तो कहेंगे कि यार ये लिस्ट पे जो है ना फॉर्म नंबर जो है वो है, ये है, फलाना है, ढिकाना है, हमें इतना नहीं पड़ता, और ये है, इस तरह की बातें करेंगे। महंगी देंगे, 300 की, 310 की स्ट्रॉबेरी कह रहा था और 265 जो है ना लिस्ट पे रखा हुआ था। ये हालात है। पेट्रोल भी भरवाऊंगा यार सिटी में, मुझे लगता है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। मेरा भी हाफ टैंक से भी कम रह गया। सुनने में ये आया कि इस बार अच्छी खासी बढ़ेंगी, अब पता नहीं ये नई हुकूमत कितना बढ़ाती है, मुझे लगता तो नहीं है कि ये अप्रूव करेंगे, क्योंकि सियासी मामलात हैं, पर कर भी सकते हैं। 89 रुपीज़ की समरी उन्होंने दी है भाई, अब पता नहीं कितने बढ़ाते हैं, फिर भी बढ़ेंगे अच्छे खासे ही। 200 पे जाने वाला है पेट्रोल भाई, मैं तो भरवाने वाला हूँ। ये भी उतार दिया मैंने, बिल्कुल फजूल है, ये तो लॉक ही नहीं होता ना, यहाँ से घूमता ही जाता है, घूमता ही जाता है। क्या यार फजूल चीज़ें, सस्ती भी फजूल है, महंगी भी फजूल है, समझ से बाहर है, क्या लगाऊँ यहाँ पर लगाना है मैंने, क्योंकि ये मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड करेगा और सामने से भी, पर कोई काम नहीं आ रहा, इसको मैंने उतार ही दिया फजूल। ये 300 का था, 200 का, वो जो दूसरा था वो आवाज़ करता था खड़ खड़ खड़, वो अच्छी क्वालिटी का था, लेकिन उसके जो है ना बनाने वालों पे मुझे अश अश है। क्या चीज़ बनाई है उन्होंने? अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में दो। अभी जो है मैं इस्लामाबाद पुलिस पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर जा रहा हूँ F6, और वहाँ से अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना है, ये वाला पहले, ये वाला लाइसेंस जिनके पास है पुराना लाइसेंस, तो पहले ये है, अब जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, स्मार्ट मेरा ख्याल कर दिया है। ये मेरा 2017 में बना था और 22 में ही एक्सपायर होना था। आजकल ना हर चीज़ यहीं से हो जाती है, इनके फैसिलिटेशन सेंटर से, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, गाड़ी 15 हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का यहाँ पर नहीं है, ये सिर्फ रिन्यू करते हैं यहाँ पे, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग यहाँ पे आएंगे तो पता चल जाएगा, बहुत सारे जो काम हैं यहीं से हो जाते हैं और आसानी से हो जाते हैं, पहले वाली जो ख्वारी है वो नहीं होती।
अभी देखता हूँ कितना कोई रश वगैरह है, काम जल्दी हो जाता है या देर से होता है। अभी जो टाइम हो रहा है वो 11:16 हो रहे हैं, जुम्मा भी है, टाइम तो है अभी मेरे पास। ये है GF61 PSO के साथ करके ही है, जो यहाँ पे हैं लोग उनको तो मालूम होगा, वैसे मैं गाइडेंस के लिए बता रहा हूँ। सो ये रहा, अभी हम अंदर जाएंगे तो पता लगेगा। गाड़ी मैंने पार्क कर दी है, कोई इनकी पार्किंग वाली खास जगह नहीं है, पीछे एक जगह बनी हुई है खाली सी, यहीं पे मैंने पार्क कर दी है। अब मैं उस तरफ जाता हूँ। प्रोसेस बहुत इजी था, गया हूँ, टोकन लिए ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल का, उसके बाद मेडिकल करवाना पड़ता है, आई साइड टेस्ट होती है। आई साइड तो मेरी ऑब्वियसली कमज़ोर है, तो वो पूछते हैं भाई कितनी है, कितनी कमज़ोर है, वो आईडी, आपके आईडी कार्ड की कॉपी होना ज़रूरी है, उसके ऊपर ही वो मेंशन कर देते हैं। उसके बाद जो आपका टोकन नंबर होता है उस पे आपको एक काउंटर पे जाना पड़ता है, जब आपका नंबर आता है उसके बाद आप लोगों को अपना पुराना लाइसेंस और आईडी कार्ड की कॉपी जो होती है वो देनी पड़ती है, और 1300 रुपया फीस है ड्राइविंग लाइसेंस रीन्यूअल की। बस उसके बाद 2 मिनट के अंदर ही वो आप लोगों को ये कार्ड बना के दे देते हैं। प्रोसेस बहुत आसान है और शुक्र है इजी किया हुआ, जल्दी मिल जाता है, उसी वक्त मिल जाता है, कोई टेंशन परेशाने वाली बात ही नहीं है। सोच रहा हूँ कि गाड़ी वॉश करवाऊँ। अच्छा ऐसा है ना कि सिटी के साथ कुछ थोड़ा सा है कि जब मेरे पास GLI थी ना, उसको मैं बहुत ज़्यादा साफ़ करता था, बस तकरीबन हर दूसरे दिन ही मैं उसको कपड़ा मार रहा होता था, साफ़ कर रहा था। इसके साथ कुछ है कि यार इसको मैंने अभी तक इस तरह से साफ़ नहीं किया जिस तरह से मैंने उसको किया, तो जस्ट पता नहीं क्यों, शायद वाइट है इस वजह से, वो ब्लैक थी फौरन मुझे लगती थी गंदी होगी, ये मुझे लगता नहीं है कि गंदी हुई है। अभी मैं ये करूँगा कि इसको वॉश करवाऊँगा, हो सकता है इसके लिए ऊपर कपड़ा लूँ, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़रूरी है, डस्ट बहुत जल्दी आ जाती है। पेट्रोल भरवा रहा हूँ, फुल तो नहीं करवा रहा, 1500 का डलवा रहा हूँ। कम्प्लीमेंट्री हमारी स्क्रीन साफ हो रही है, बस अब ये है कि पेट्रोल डाल के बार से ऊपर आ गई, हाफ से ऊपर हो चुकी है, काम चल जाएगा मेरा। असल में ये ना खड़ी ज़्यादा रहती है तो ये पेट्रोल फूकती बहुत ज़्यादा है, चलाता ही काम होना इसको, तो ये चीज़ है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको वॉश ना करवाऊँ, वॉश मैं इसको खुद करूँगा, और ये है कि खुद करने का अपना एक मज़ा भी है और बंदा तसल्ली भी होती है कि यार अच्छी तरह एक चीज़ साफ़ की गई है। रोज़ा मुझे लग चुका है और अच्छा ये इसकी फ्यूल एवरेज जो है ना गाड़ी की, वो इंशाल्लाह मैं कैलकुलेट करूँगा, आप लोगों के लिए टेस्ट लेके आऊँगा इस गाड़ी पे। ये खड़ी है अपनी शहजादी, और अभी मैं ऑफिस से ही आ रहा हूँ, वापस ऑफिस चला गया था और जुम्मा वगैरह पढ़ के, तो अभी तकरीबन 3:30 का टाइम हो रहा है। अभी मैं जाऊँगा थोड़ा ATM से कैश निकलवाना है, और अभी मैं आके गाड़ी में बैठ चुका हूँ, सही तप रही है। मैं गाड़ी की सेफ्टी के लिए ये स्टेयरिंग लॉक भी लगा के जाता हूँ, और आय हाय 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 अभी इतना गर्म हो रहा है ना कि हाथ नहीं लगाना होगा। ये भी एक अच्छी चीज़ भी है लेकिन अजाब भी है, इस कीलेस गाड़ी के लिए फिर मुझे की निकालनी ही पड़ती है। शाबाश बेटा, और उसके बाद जी की का कोई काम नहीं हमारे पास, और शीशे खोल देते हैं चारों शीशे ताकि जो गर्मी है ना वो निकल जाए। एसी चलाने से पहले ये काम ज़रूरी है, फिर इसके बाद एसी चला लो, अब एटलीस्ट ये जो अंदर गर्म हवा है ना वो निकल जाएगी, उसके बाद एसी की कुछ परफॉर्मेंस भी निकल जाएगी, अदरवाइज़ तो काम ख़राब ही होगा। मैंने ATM से कैश निकलवाना है, उसके बाद एक पार्सल लेना है मैंने, वो भी आपको दिखा दूंगा क्या चीज़ मैंने मंगवाई है, अफ्तारी भी है आज हमारी। ब्लू एरिया आया हूँ, गाड़ी मैंने दूसरी तरफ खड़ी की है क्योंकि इस तरफ जो है बहुत ही रश होता है, यहाँ पे तो मैं लाता ही नहीं गाड़ी, बंदा ला के फंस जाता है। ले लिया है पार्सल, ये गाड़ी में जाके खोलता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कि है क्या चीज़। अफ्तारी की तैयारियाँ हो रही हैं, ये फ्रेस्को के समोसे पकौड़े तैयार हो रहे हैं। ये ऑर्डर किया था, ये है वोल्ट मीटर,
और ये बहुत ही काम की चीज़ है, गाड़ी में होनी चाहिए। पता है क्या, गाड़ी में कभी ना कभी कोई ना कोई फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है, तो वो देखना कि कौन सा फ्यूज़ हुआ है, वो इससे पता चल जाएगा। इसकी जो है ना ये तारे हैं ना, ये बंदा लगाता है तो पता लग जाता है कौन सा जो फ्यूज़ है वो फ्यूज़ है। ओहो, अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब कोई ना कोई एसेसरीज नहीं चल रही। अभी मैं रिसेंटली जो है ना ये सिगरेट लाइटर इसका नहीं चल रहा था, तो मैंने ये USB केबल लगाई हुई एकदम, तो क्या हुआ कि फ्यूज़ यहाँ से उड़ गया, ठीक है। तो ये इसका बॉक्स यहाँ पे होता है, वो मैंने खोला, उस वक्त ये नहीं था, मैंने खैर सारे एक एक फ्यूज़ करके निकाला और पता लग गया। वैसे उसके ऊपर डायग्राम बननी होती है, इतना मुश्किल भी नहीं होता, वो पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ का कौन सा फ्यूज़ हो सकता है। सो लेकिन अगर ना पता लग रहा हो तो ये बेस्ट है, तो मैंने बहुत यूज़ किया, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अभी हम अपने ऑफिस में अफ्तारी कर रहे हैं, ये हल्की फुल्की शुरू में स्टार्टर है हमारा, जिसमें समोसे रोल हो गए और पकोड़े हो गए और जलेबियाँ, जो हमारे लिए जीशान भाई काफ़ी सारी प्रिपरेशन करके लाए। साथ में हमारे पास है जामे शीरी, जिसके बगैर दुआ मांग रहे हैं जी, दुआ मांग रही है। वकास अभी थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे तुम, ये तो स्टार्टर है, इंशाल्लाह इसके बाद नमाज पढ़ के फिर हम बर्गर ले जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं सेंटोरस, गाड़ी मेरा फ्रेंड चला रहा है विकास, और मैं कल्टस ले आया हूँ क्योंकि यही बाहर खड़ी थी, सिटी को मैंने अंदर ही खड़ा कर दिया। मैं इनका आप आराम करें, अब हम जाते हैं कल्टस पे। ये देखें, ये मेरे फ्रेंड विकास बाऊ, अस्सलाम वालेकुम विकास बाऊ, आज ये चलाएंगे विकास बाऊ। हाँ विकास बाऊ बाऊ, आप एक बार विजिट करें, प्रमोशन नहीं है कोई, मुझे डिस्काउंट नहीं मिल रहा, पिछले 3 साल से आ रहे हैं आप लोगों का। चलो टूर वीडियो बना, लोडेड फ्राइज खाए हैं अभी, बहुत ही मजे का टेस्ट, और ये 4 गिलिया बजा गई, और बिल आ गए और बहुत 17% टैक्स लग गया भाई जान।